आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया कि जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। इसके लिए हमें चार विकल्प दिया है। ए में दिया है 1.12 × 10⁻¹⁹ जूल, बी में दिया है 1.76 × 10⁻¹⁹ जूल, सी में दिया है 1.06 × 10⁻¹⁹ जूल और डी में दिया है 0। तो हम देखते हैं यहाँ पे जर्मेनियम क्रिस्टल में, तो यहाँ पे जर्मेनियम कैसा है। जर्मेनियम जो होता है एक शुद्ध अर्धचालक होता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 32। यहाँ पे इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो यहाँ पे प्रथम कक्षा में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तथा तृतीय कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तथा अंतिम कोष में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात यहाँ पे अंतिम कोष में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात इसकी जो संयोजकता कितनी होती है, यहाँ पे इसके अंतिम कोष के आधार 4 इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी जो संयोजकता क्या है, यहाँ पे ∆4 होती है। तो हम जानते हैं कि अर्धचालक में यहाँ पे जो चालन बैंड है तथा जो संयोजकता बैंड के बीच का यहाँ पे ऊर्जा अंतराल होता है वह कितना होता है, यह लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो इस प्रकार से यदि हम जर्मेनियम में देखते हैं तो यहाँ पे जर्मेनियम में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, अर्थात जो वर्जित ऊर्जा अंतराल अर्थात यहाँ पे जो चालन बैंड का, यहाँ पे हम इसे ईजी से प्रदर्शित करते हैं, तो यह क्या होता है, यह चालन बैंड का निम्नतम ऊर्जा स्तर जिसे ईसी से हम प्रदर्शित करें, यहाँ पे ईसी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ईसी ऋण, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे संयोजकता बैंड का जो उच्च जो ऊर्जा स्तर होता है ईवी। इस प्रकार से हम यहाँ पे जो ईजी बराबर क्या लिख सकते हैं, ईसी ऋण यहाँ पे ईवी। तो यहाँ पे हम अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है तथा यहाँ पे जर्मेनियम के लिए देखें तो जर्मेनियम के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल अर्थात ईजी का मान लगभग यह 0.72 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चूंकि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है यह 1.06 × 10⁻¹⁹ जूल होता है। तो इस प्रकार से हम इसे परिवर्तित करें तो यहाँ पे जो ईजी है जर्मेनियम के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0.72 × 1.06 × 10⁻¹⁹ जूल हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है इसका मान लगभग यहाँ से हमें लगभग यहाँ पे 1.15 × 10⁻¹⁹ जूल हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो हमें विकल्पों को देखें तो हमें पहला विकल्प हमें क्या दिया गया था, यह दिया था 1.12 × 10⁻¹⁹ जूल। तो यह लगभग हमारे उत्तर के बराबर रहता है, विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। बी में दिया था 1.76, तो यह अधिक है, यह नहीं हो सकता। सी में दिया गया था 1.06 × 10⁻¹⁹ जूल, तो यह भी नहीं होगा। और डी में दिया था 0। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, विकल्प ए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।